पहली बार ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर के साथ साथ छठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया हो जाएगा। इनके प्रत्याशी जनता में जाने के लिए माफी मांग रहे हैं। आपको जानकारी होगी जिनके एक प्रत्याशी जनता से पूरा दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा करके माफी मांग रहे थे और अभी दो दिन पहले की आपने तस्वीर देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो तेल मालिश कर रहे थे और माफी मांग रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे तेल की चंपी करें और कान पकड़ करके उठक बैठक भी लड़ाएंगे तब भी यहाँ का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। इन्हें माफ नहीं, उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम होगा इस बार। इनके नेता और इनके नेताओं के भाषण झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहे। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने, इनके जो छोटे नेता हैं, जो बहुत घूम रहे हैं आजकल, बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। और इनके जो बड़े नेता हैं, वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और एक जो सबसे बड़े नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इन्होंने यही भरोसा दिलाया था कि अगर उनकी डबल इंजन की सरकार होगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी भी फसल की ये कीमत दिलवा पाए हो तो बता दो हमें। और जब धान आप लोग बेचने गए तो बताओ धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई। और अभी आप लोगों ने खाद की बोरी के लिए लाइन में लगे, लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? आपको खाद नहीं दे पाई सरकार, और अगर खाद मिल भी गई तो बताओ खाद की बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? अभी तो ये 5 किलो चोरी कर रहे हैं, अगर ये दोबारा आ गए तो 10 किलो की चोरी करेंगे। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी वाले चोरी कहां से सीखे हैं। आपने पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा कभी? पहले जो पैकेट आता था इतना बड़ा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी मुनाफा कमाना शुरू किया, पैकेट छोटा होता चला गया। बताओ आज इतना सा पैकेट मिलता है कि नहीं मिलता है? इसलिए बीजेपी से सावधान रहना, अगर ये जीत गए तो पहले तो खाद नहीं मिलेगी, खाद मिलेगी तो 10 किलो की चोरी कर लेंगे। याद कीजिए जब इन्होंने गैस के सिलेंडर बांटे थे तो फ्री देके 400 रुपए में भर रहे थे कि नहीं भर रहे थे? जब सिलेंडर दिए थे फ्री तब 400 रुपए में भरा जाता था, और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ कितने में भरा जा रहा है?
1000 रुपए भरा जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा, डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया, और पेट्रोल महंगी हो गई कि नहीं हो गई। इस बार ये सरकार में आ गए तो 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 200 रुपए का। और आज का अखबार पढ़ लो, बताओ सिलेंडर आज महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? आपका जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? समाजवादियों ने कहा है कि जिस समय सरकार बनेगी हमारे सभी लोगों की बिजली 300 यूनिट फ्री होगी, और न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी बल्कि हमारे किसानों की भी सिंचाई माफ होगी। और जब से बाबा जी को ये पता लगा है कि हम लोग 300 यूनिट फ्री बिजली देने जा रहे हैं, बाबा जी की बिजली गुल हो गई। परचम गली गली लहरा।